गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछली क्लास में हमने नंबर सिस्टम्स पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें टोटल 10 सिंबल्स हैं, जिसकी बेस 10 है। बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसमें दो ही सिंबल्स हैं, 0 और 1, जिसकी बेस 2 है। हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़ा था, जिसकी बेस 8 है, जिसमें टोटल 0 से लेकर 7 तक 8 सिंबल्स हैं। हमने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा था, जिसकी बेस 16 है और जिसमें 16 सिंबल्स हैं, 0 से लेकर 9 तक, और उसके बाद ABCDE एंड F। आज हमें पढ़ना है कन्वर्जन फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर नंबर सिस्टम। यानी अगर हमें एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में किसी नंबर को कन्वर्ट करना होगा तो वो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अगर हमारे पास कोई डेसिमल नंबर है, इसको हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा रिमाइंडर। रिमाइंडर किसको कहते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। थोड़ा मैं आपको याद दिला दूं, यहाँ ये जो नंबर है 26, इसको हमने डिवाइड किया है 5 से, और क्वेश्चन जो है, आंसर जो है, हमें 5 निकला है और साथ ही 1 रिमाइंडर निकला है, तो इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। जैसे 5 5 25, तो यहाँ नंबर था डिविडेंड जो था 26 था, लेकिन हमने जब इसको 5 से डिवाइड किया तो हमने 5 5 25 किया और यहाँ रिमाइंडर हमें 1 निकला, तो इसको रिमाइंडर कहते हैं। तो हम 5 6 30 नहीं कर सकते थे, क्योंकि 26 को डिवाइड करने के लिए अगर हम 5 6 30 करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने किया 5 5 25, लेकिन नंबर 26 था, 26 में से सब्ट्रैक्ट हमने किया 25, वो रिमाइंडर हमारा 1 निकला, तो इसको रिमाइंडर कहते हैं। तो इसको कोशेंट कहते हैं, इसको डिवाइजर कहते हैं, इसको डिविडेंड कहते हैं। इसी तरह इस एग्जांपल में अगर हम देखेंगे, हमारे पास नंबर जो है 75 है और डिवाइजर जो है 9 है, डिविडेंड 75 है, कोशेंट 8 है। हमने 9 8 72 किया, 75 में से 72 को सब्ट्रैक्ट करो तो रिमाइंडर 3 निकलता है। तो यहाँ भी हम 9 9 81 नहीं कर सकते थे, क्योंकि 81 ज़्यादा होता है, हमें 75 का डिवीजन करना था। तो हमने 9 8 72 किया और 75 में से 72 को सब्ट्रैक्ट कर लो तो वहाँ पे रिमाइंडर 3 निकलता है। तो इस यही रिमाइंडर हमें यूज़ होगा जब हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ फिर से आप देख लो, सपोज़ अगर आपके पास नंबर है 11 और आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो आपने 2 5 10 किया और यहाँ रिमाइंडर जो है वो 1 निकला। तो अब हम देखेंगे कि डेसिमल से हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर जो हम लेंगे, हम 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल नंबर 2 को हम बाइनरी में देखेंगे कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो इसके लिए 2 को, हाँ, तो इसका मेथड ये है, हमने 2 को किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड करना होता है 2 से, और तब तक डिवाइड करना होता है जब तक एंड में 0 ना बचे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर था 2 और हमने डिवाइड किया इसको 2 से, तो हमने 2 1 2 किया, यहाँ रिमाइंडर आया 0। जब हमने 2 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आया। आप यहाँ देख सकते हो, अगर हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, और रिमाइंडर हमारा निकलेगा यहाँ पे 0। तो यहाँ हमने पहले 2 को 2 1 2 करके हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 निकला। अब इसके बाद हमें 1 को डिवाइड करना है 2 से, तो यहाँ सिर्फ 2 से डिवाइड करना होता है। अब जो नेक्स्ट नंबर है हमारा 1, तो 1 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 1 2 से छोटा है, इसलिए 2 0 0 होगा और हमारा रिमाइंडर जो है वो फिर से 1 निकलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम 1 से 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ 2 0 0 ही निकलेगा, हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। 1 छोटा है 2 से, हमने 1 को छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड किया, तो यहाँ 2 0 0 ही आया और 1 जो है हमारा रिमाइंडर निकला। तो यहाँ पे दूसरा रिमाइंडर जो हमारा है वो निकला 1।
तो जब हम जीरो तक पहुंचते हैं उसके बाद हमें रुकना होता है, अदरवाइज हमें कंटिन्यूसली करना है जब तक हम जीरो तक नहीं पहुंचेंगे। तो हमने जब टू को डिवाइड किया टू से तो पहला रिमाइंडर हमें निकला ज़ीरो, फिर जब वन को डिवाइड किया टू से तो दूसरा रिमाइंडर हमें निकला वन। तो ये जो रिमाइंडर हमें निकले ज़ीरो और वन, इनको हमें नीचे से ही लिखना है, यानी पहले वन को लिखना है फिर ज़ीरो को लिखना है। तो यहाँ आप देखिए टू जो डेसिमल नंबर था, हम इसका बाइनरी जो है वो है वन और ज़ीरो, पहले वन ही लिखना है फिर ज़ीरो लिखना है। तो इस तरह से जब आप किसी डेसिमल नंबर को कंटिन्यूसली बार बार टू से डिवाइड करते जाओगे जब तक कि आप ज़ीरो तक नहीं पहुँचोगे, और हर बार आप रिमाइंडर लिखते जाओगे, फिर उन रिमाइंडर्स को नीचे से ही आप लिखोगे, तो इस तरह से आप डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ एक और एग्जांपल मैं लूँगा, एक और नंबर मैं लूँगा, मैं 5 लूँगा। तो यहाँ आप देखो 5 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4, तो रिमाइंडर 1 निकला। फिर उस 2 को जब 2 से डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, तो रिमाइंडर 0 निकला। फिर 1 को जब 2 से डिवाइड किया, 2 0 ज़ा 0, तो रिमाइंडर 1 निकला। तो यहाँ हमारे पास 3 रिमाइंडर्स निकले, और इन रिमाइंडर्स को हम नीचे से ही लिखेंगे, यानी 1 0 1। तो हमारा जो 5 जो डेसिमल में था उसका बाइनरी है 1 0 1। तो फिर से देखिए आप, पहले 5 को 2 से डिवाइड करो, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे 1 बचता है रिमाइंडर। आप यहाँ देख लो, जब आप 5 को डिवाइड करोगे 2 से, 5 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे 2 2 ज़ा 4, तो 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करके आपका रिमाइंडर जो है 1 निकलता है। तो फिर 2 की बारी है, फिर हमने 2 1 ज़ा 2 किया, तो यहाँ रिमाइंडर 0 निकला। फिर 1 को डिवाइड किया, तो चूंकि 2 बड़ा है और 1 छोटा है, यहाँ 2 0 ज़ा 0 होगा, और यही 1 जो है वापस रिमाइंडर निकलेगा। और जब हम 0 तक पहुँचे हम फिर रुक जाएंगे, और यहाँ हम देखेंगे रिमाइंडर क्या क्या निकले। तो हमारे रिमाइंडर है 1 0 1, लेकिन इनको नीचे से ही लिखना है। तो 1 0 1, ये तो 1 0 1 ऊपर से भी आता है और नीचे से भी, लेकिन हमें याद रखना है, ख्याल रखना है कि हमें रिमाइंडर्स को नीचे से लिखना है। तो 1 0 1, यहाँ 1 0 1 जो है 5 जो डेसिमल में है इसका बाइनरी है 1 0 1। इसी तरह अगर आप 10 का देखोगे, तो यहाँ आप पहले हमने 2 5 ज़ा 10 किया, तो वहाँ रिमाइंडर 0 निकला। अब 5 की बारी, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ रिमाइंडर 1 निकलेगा। अब 2 को 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ रिमाइंडर 0 निकलेगा। अब 1 को 2 0 ज़ा 0, और रिमाइंडर यहाँ 1 निकलेगा। तो इन रिमाइंडर्स को नीचे से ही लिखो, 1 0 1 0 1 0 1 0, तो आपका जो 10 डेसिमल में है इसका बाइनरी 1 0 1 0। इसी तरह अगर हम सपोज 15 का देखें, फिफ्टीन को हमने 2 7 ज़ा, पहले 2 7 ज़ा 14 आएगा, 2 8 ज़ा 16 ज़्यादा हो जाएगा, हमने 2 7 ज़ा 14 किया, तो रिमाइंडर बचा 1। अब 7 की बारी, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ फिर से 1 बचा। अब 3 की बारी, 2 1 ज़ा 2, यहाँ फिर से 1 बचा। अब 1 की बारी, 1 छोटा है 2 बड़ा है, तो 2 0 ज़ा 0, यहाँ फिर से रिमाइंडर 1 निकला। तो इस तरह से 15 जो डेसिमल में 15 है इसका बाइनरी है 1 1 1, 4 बार, 1 2 3 4। तो इसी तरह आप देख सकते हो, अगर हम 24 का निकालेंगे, यहाँ हमने 24 का 2 12 ज़ा 24। अगर आपको 2 का, सपोज़ अगर आपको 2 का टेबल 10 तक ही याद है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले एक नंबर को 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी एक एक डिजिट को 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इस तरह से हो गया 2 12 ज़ा 24, तो रिमाइंडर बचा 0।
अब 12 की बारी है, 2 6 12 अगेन रिमाइंडर बचा 0, अब 2 3 6 अगेन रिमाइंडर बचा 0, अब 3 को डिवाइड करो 2 से, 2 1 2 यहाँ पे रिमाइंडर बचता है 1, फिर 1 को 2 0 0 तो यहाँ पे रिमाइंडर बचता है 1। तो इस तरह से आप देख लो 1 1 और 3 0, 1 1 और 3 0, ये आपका बाइनरी है, 24 का बाइनरी है। तो बाकी की क्लास में नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा।